अध्याय 10 पे किरण किशोर न्याय जे जे एक्ट जुवेनाइल जस्टिस का जो है अपन ये आखिरी लेक्चर देख रहे हैं। इसमें 90 से 112 सेक्शंस को सभी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बीमार होने की वजह से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब इसको पूरा कर देंगे। धारा 90, बालक के माता पिता या संरक्षक की हाजिरी। यथास्थिति संपत्ति या बोर्ड जिसके समक्ष बालक के साथ नियम के किसी बंद के अधीन लाया जाता है, जब भी वह ऐसा करना ठीक समझे, बालक का वास्तविक भार साधन रखने वाले माता पिता संरक्षक से अपेक्षा कर सकेगा कि इस बालक के बारे में किसी कार्रवाई उपस्थित हो, बोल सकता है कि बालक की जगह पर उसके माता पिता उपस्थित होंगे। बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना का जरूरी लगता है कि चलो इसको उपस्थिति करने से मुक्ति देना दे सकता है। धारा 91 में केवल इतना ही याद इसमें करना, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी अनुमोदित स्थान पर दीर्घकालिक चिकित्सा उपचार, बाल रोग से पीड़ित बालक का स्थानन, ठीक है। बहुत देखो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। जब किसी ऐसे बालक के बारे में जिसे समिति या बोर्ड के समक्ष लाया गया है, वह यह पाया जाता है कि वह रोग से पीड़ित है जिसके लिए लंबे समय तक चिकित्सीय उपचार की अपेक्षा होगी। ऐसा रोग उस बच्चे को हो गया है कि बहुत ही लंबे समय तक उसका जो है इलाज चल रहा है, या उसे कोई शारीरिक या मानसिक व्याधि है जो उपचार से ठीक हो जाएगी, तब यथास्थिति समिति या बोर्ड बालक को ऐसे समय के लिए जिसे वह अपेक्षित उपचार के लिए आवश्यक समझता है किसी उपयुक्त सुविधा तंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त किसी स्थान पर जो भेज किया जाए भेज सकेगा। वो क्या कर सकता है, उसको भेज देगा कि चलो ठीक है भैया, आप यहाँ पर रहो और अपनी दवाई कराओ। 93, ऐसे बालक का स्थानांतरण जो मानसिक रूप से बीमार है, अल्कोहल या अन्य औषधियों का आदि है, जहाँ समिति या बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि अधिनियम के अनुसरण में किसी विशेष ग्रह या किसी संप्रेक्षण ग्रह या किसी बाल ग्रह या किसी आश्रय या किसी संस्था में रखा गया कोई बालक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, या अल्कोहल या किसी अन्य औषधि का आदि है जिससे किसी व्यक्ति में व्यवहारात्मक परिवर्तन हो जाते हैं, वहाँ समिति या बोर्ड मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 या उसके अधीन बनाएगा नियमों के अनुसार ऐसे बालक को मनोचिकित्सा अस्पताल या मनोचिकित्सा परीक्षागृह में ले जाने का आदेश दे सकता है, ठीक है। मानसिक रूप से बीमार है या उसको शराब पीने की या अन्य मादक द्रव्यों की गांजा वगैरह की अगर लत लगी है, तो भी वो इसको परिचर्या गृह में जहाँ मानसिक इलाज होता है वहाँ पे भेज सकता है, ठीक है। इसमें और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं आपको। अब आते हैं 94, आयु के विषय में उदाहरण उसका उदाहरण। कोई बच्चा 18 वर्ष से कम का या 16 वर्ष से कम का, उसकी आयु कैसी है, इसका अवधारण कैसे किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ बोर्ड या समिति को इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न अन्य कोई काम में जहाँ अवधारणा करना है, ठीक है, और अवधारण उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति उपसंजाति के आधार पर स्पष्ट होता है कि उक्त व्यक्ति बालक है, तो समिति या बोर्ड बालक की ऐसा संभव सन्निकट आयु का कथन करते हुए ऐसे संप्रेक्षण को अभिलिखित करेगा और आयु की और अभिपुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना यथास्थिति धारा 36 के अधीन जांच करेगा, ठीक है। वो जांच कर लगेगा अपनी आयु की अभिपुष्टि हो या ना हो, जो मेजरमेंट लिख के आया है, जो लिखा हुआ आया है चालान पे, और उसी को जो है पढ़ के वो काम आगे बढ़ा देगा। अब यदि लगता है, अगर यदि समिति या बोर्ड के पास इस संबंध में संदेह होने के युक्त आधार है, क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है नहीं, अब डाउटफुल लग रहा है अगर कि ये व्यक्ति बालक है कि नहीं, ठीक है, अगर स्पष्ट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउट है कि 18 वर्ष से कम का है, ज़्यादा का बालक है या नहीं, तो यथास्थिति समिति या बोर्ड निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त करके आयु अवधारण की प्रक्रिया का जिम्मा लेगी, कैसे डिक्लेयर किया जाए। विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड में मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हों, उसके अभाव में, अगर देखो जन्म तारीख का प्रमाण, विद्यालय की डिग्री वगैरह ये सब चीज़ें, अगर इनका अभाव है तो निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र उपरोक्त एक या दो में के अभाव में, दोनों ही चीज़ें नहीं है, तो आयु का अवधारण समिति बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जाएगा। फिर डॉक्टर बता देगा कितनी उम्र है, अगर कोई भी दस्तावेज नहीं है तो। परंतु समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई ऐसी आयु अवधारण जाँच ऐसे आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर पूरी होगी। कितने दिन के भीतर? 15 दिन के भीतर। समिति या बोर्ड द्वारा उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की अभिलिखित आयु इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति की सही आयु समझी जाएगी कि यह व्यक्ति की आयु क्या है, सही है। बालक का उसके निवास स्थान को स्थानांतरण, ठीक है। यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है कि बालक अधिकारिता के आधार के स्थान से है, तो यथासंभव
बाहर के स्थान से जहाँ मतलब वो है वहाँ से बाहर उसका जो है घर है, जहाँ जिस न्यायालय में उसका केस चल रहा है। यथास्थिति बोर्ड या समिति सम्यक जांच के पश्चात यदि समाधान हो जाता कि यह बालक के सर्वोत्तम हित में और बालक के गृह जिले के समिति या बोर्ड के साथ सम्यक परामर्श करके उक्त समिति या बोर्ड को संगत दस्तावेजों और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जैसी भेद की जाए तो शीघ्र बालक के स्थानांतरण का आदेश देगा कि भैया आप अपने निवास स्थान में रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु ऐसा स्थानांतरण विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की दशा में जाँच पूरी होने के पश्चात बोर्ड के द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के पश्चात ही किया जाएगा। अगर वो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक उसने कोई अपराध किया है तब कोई आदेश दिया जाएगा, अंतिम आदेश या जाँच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही वो जाएगा। परंतु यह और कि अंतर राज्य के स्थानांतरण की दशा में जब बालक कहाँ का है, दूसरे प्रांत का है कि जैसा बालक को यदि सुविधाजनक हो तो यथास्थिति बालक के गृह जिले की समिति या बोर्ड को या गृह राज्य की राजधानी शहर की समिति या बोर्ड को सौंपा जाएगा। स्थानांतरण के आदेश को अंतिम रूप में दिए जाने पर यथास्थिति समिति या बोर्ड ऐसा आदेश प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर विशेष किशोर पुलिस एकक को बालक की अनुरक्षा के लिए अनुरक्षा आदेश देगा, परंतु किसी बालक के साथ महिला पुलिस अधिकारी भी होगी। परंतु यह हुआ कि जहाँ कोई विशेष किशोर पुलिस एकक उपलब्ध नहीं है, यूनिट उपलब्ध नहीं है, तो यथास्थिति समिति या बोर्ड उस संस्था को जहाँ बालक अस्थायी रूप से ठहरा हुआ है या जिला बालक संरक्षण एकक को यात्रा के दौरान बालक की अनुरक्षा के लिए निर्देश देगा। ठीक है, राज्य सरकार बालक की अनुरक्षा के लिए कर्मचारी वृंद को यात्रा भत्ते का अवबंध करने के लिए नियम बनाएगी, इसका संदेह अग्रिम किया जाएगा कि पैसा पहले दो भैया कि ताकि ये बच्चा अपनी जगह पर पहुँच सके। स्थानांतरित बालक को प्राप्त करने वाला यथास्थिति बोर्ड या समिति प्रत्यावर्तन या पुनर्वास या सामान्य पुनः मिलाने की प्रक्रिया को पूरा करेगी, जैसे कि इस अधिनियम में अभी कथित है। 96 बालक का भाग विभिन्न भागों में बाल ग्रह या विशेष ग्रह या जैसे शुद्ध तंत्र या योग्य व्यक्तियों को स्थानांतरण, अगर लगता है तो इनको भी स्थानांतरित किया जा सकता है। धारा 96 कहती है किन किन को बाल ग्रहों को विशेष ग्रहों को या उचित सुविधा तंत्रों को या योग्य व्यक्तियों को भी स्थानांतरित किया जा सकता है। ज़्यादा इसमें कोई प्रश्न है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं नहीं। किसी संस्था से बालक को निर्मुक्त करना, जब किसी बालक को किसी बाल गृह या विशेष गृह में रखा जाता है तो यथास्थिति किसी परिवीक्षा अधिकारी की या सामाजिक कार्यकर्ता या सरकार या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट पर समिति या बोर्ड ऐसे बालक को आत्यंतिक रूप से या ऐसी शर्तों पर जैसी अधिरूपित करना ठीक समझे। बालक को माता पिता या संरक्षक के साथ रहने या आदेश में नामित ऐसे किसी प्राधिकृत व्यक्ति के पर्यवेक्षणाधीन रहने की अनुज्ञा देते हुए जो उसे प्राप्त करने और बाल लेने का बालक को शिक्षित बनाने। सीधी बात यह है, जब उनको लगता है कि ये बालक है इसकी देख रेख और शिक्षा व्यवस्था कौन व्यक्ति कर सकता है, तो माता पिता को या किसी अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी या अन्य किसी संस्था को वो मतलब जो है दे सकते हैं। ठीक है, और अब उनका बाहर साधन करने से निर्मुक्त भी कर सकते हैं कि चलो जाओ भाई इनके पास जो है आप व्यवस्थित रहो। ठीक है, इतना ही है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है आप। ठीक है, निर्मुक्त करना धारा 97 इतना ही पूछा जाएगा, इससे अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, किसी संस्था में रखे गए बालक को अनुपस्थित की इजाज़त भी है, धारा 98 ये भी है। ठीक है, अब धारा 99 थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। रिपोर्टों का गोपनीय माना जाना, बालक के संबंधित सभी रिपोर्ट जिन पर समिति बोर्ड द्वारा विचार किया गोपनीय मानी जाएंगी, इनका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा और ये गोपनीय जो है रहेंगी। ठीक है, इसके बाद आता है धारा 100 सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रीक्रिया में से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा कि इस धारा में 100 में है। अगर कोई व्यक्ति पर किसी व्यक्ति की कोई सद्भावना अगर पूर्वक कोई सूचना गलत भी हो जाती है तो उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अपील है 101 में है। इस अधिनियम के उपबंधों का निर्धारित तो इस अधिनियम के अधीन समिति या बोर्ड द्वारा किया गया किसी आदेश से वंचित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर पोषण देख रहे हो प्रवर्तक पश्चात देख रेख संबंधी समिति के ऐसे विनिष्ठियों के सेवाजन के संबंध में अपील जिला मजिस्ट्रेट को होगी, बालक न्यायालय में अपील कर सकेगा। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट को बालक न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है, कहाँ हुई, डीएम। ठीक है, जे परंतु यथास्थिति बालक न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उक्त 30 दिन की युक्तावधि के अवसर के पश्चात अपील ग्रहण कर सकेगा। ठीक है, अगर मान लो कोई समिति वगैरह ने कोई आदेश किया है तो उसकी अपील कहाँ होगी, जिला मजिस्ट्रेट को। ठीक है, बाकी का या कहाँ होगी, बालक न्यायालय में। ठीक है, अगर इन चीज़ों की समिति वगैरह ने कोई आदेश दिया तो 30 दिन के अंदर। ठीक है, परंतु यथास्थिति बालक न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उक्त 30 दिन की अवधि के बाद भी धारा 5 के आवेदन को स्वीकार करके इसको जो है
ले सकते हैं। अधिनियम की धारा 15 के दिन किसी जघन्य अपराध प्रारंभ में निर्धारण के पश्चात यदि पारित बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय के समक्ष होगी। ठीक है, अगर धारा 15 के अंतर्गत कोई आदेश दिया जाता है तो ये सेशन न्यायाधीश के यहाँ अपील होगी। ठीक है, डीएम यानी दोस्तों यहाँ पर कलेक्टर साहब के यहाँ या बालक न्यायालय में अपील होगी अगर कोई समितियों द्वारा आदेश किया जाता है। ठीक है, और बाकी धारा 15 के अधीन अगर कोई निर्णय दिया गया तो इसकी अपील कहाँ होगी? सत्र न्यायालय में होगी। ठीक है, अपील को निश्चित करते समय न्यायालय अनुभवी मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सीय विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा जो उनसे भिन्न हो जिनकी सहायता बोर्ड द्वारा उक्त धारा के अधीन आदेश पारित करने में ली गई है। ठीक है, इनकी भी सलाह सहायता लेगा मनोवैज्ञानिक चिकित्सीय विशेषज्ञों के। निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी? इनके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। किसी बालक के संबंध में जिसके बारे में आवेदन किया है कि उसने जघन्य अपराध के अलावा कोई अपराध किया है, जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, तो 16 वर्ष की आयु से अधिक है बोर्ड द्वारा किया गया कोई दोष मुक्ति का आदेश। ठीक है, 16 साल से ज़्यादा का है लेकिन कोई जघन्य अपराध नहीं किया है। ठीक है, तो उसके विरुद्ध अगर कोई दोष मुक्ति का आदेश दिया गया तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। सदस्यता के संबंध में वह देखने को संरक्षण जरूरतमंद बालक नहीं है या समिति द्वारा किया गया कोई आदेश, अगर उन्होंने बता दिया कि ये देखरेख का या संरक्षण जरूरतमंद बालक नहीं है, इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको अपने घर जाने दो, तब इसकी इसका भी कोई जो है अपील नहीं होगी। इस धारा के दिन किसी अपील में पारित बालक न्यायालय के किसी विरुद्ध के आदेश के विरुद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं होगी, द्वितीय अपील नहीं होगी। ठीक है, जो समिति ने बालक न्यायालय में भेजा उसके बाद द्वितीय अपील जिसकी नहीं होगी। ठीक है, अगर अपील आती है बालक न्यायालय में तो, लेकिन अगर धारा 15 के अंतर्गत बालक न्यायालय कोई आदेश सुनाता है तो इसकी अपील सत्र न्यायालय में होगी। बालक न्यायालय के आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति दंड संहिता 173 की बुनियादी प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालय के समक्ष अपील कर सकता है। और अगर बालक न्यायालय कोई आदेश पारित करता है, बाल न्यायालय जो है कोई आदेश पारित करता है, तो इसकी अपील कहाँ होगी? उच्च न्यायालय में होगी। ठीक है, और अगर धारा 15 के अंतर्गत कोई आदेश दिया जाता है, ठीक है, बोर्ड का, तो इसकी विरुद्ध कहाँ अपील होगी? जब अपील होगी कहाँ? ये अपने सत्र न्यायालय में। ठीक है, तो एक बार इसको मैं फिर से आपको अच्छे से बता दूँ अपील का। अपील कहाँ होगी? 30 दिन के अंदर होगी। ठीक है, 30 दिन का नियम है। अगर कोई समिति या बोर्ड के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है तो उसकी अपील कहाँ होगी? या तो बालक न्यायालय में या जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर धारा 15 जघन्य अपराध में कोई भी अपील होनी है तो वो कहाँ होगी? सत्र न्यायालय में होगी। ठीक है, बोर्ड के आदेश के प्रति। ठीक है, और जो बाल न्यायालय का विरुद्ध अपील है वो कहाँ होगी? उच्च न्यायालय में होगी। ठीक है, और किन किन की जो बाल न्यायालय का जो आदेश होता है उसकी अपील सीधे कहाँ होगी? उच्च न्यायालय में होगी, कहीं नहीं होगी। और तीन चार चीज़ें जो हैं जिनकी अपील कहीं नहीं होगी, जैसे बालक 16 वर्ष से आयु पूरी कर चुका है, उसको दोष मुक्त किया गया, तो उसको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसको फिर अपील नहीं होगी उसकी। ठीक है, इस तरीके से अब आता है रिविजन पुनरीक्षण। उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से आदेश निमित्त प्राप्त किसी आवेदन पर किसी भी समय किसी ऐसी कार्रवाई जिसमें किसी समिति या बोर्ड या बालक न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया इसकी वैधता औचित्य के संबंध में सीधी बात यह है कि उच्च न्यायालय में कोई स्वप्रेरणा से या ऐसे में कोई रिवीजन करता है तो वहाँ उच्च न्यायालय को ही रिवीजन की पावर है और किसी को नहीं है। बस इतना है कि उच्च न्यायालय में रिवीजन होता है, वो स्वप्रेरणा से भी मंगा सकता है अपने पास या कोई व्यक्ति आदेश से व्यतीत होकर कर भी सकता है। जाँच अपील और पुनरीक्षण कार्यवाही और प्रक्रिया क्या होगी? इस अधिनियम में अभिव्यक्ति रूप से जैसे अन्यथा बंधित है इसके सिवा समिति बोर्ड इस अधिनियम के बंधन में किसी के दिन जांच करते समय ऐसी प्रक्रिया अनुपालन करेंगे जो भेद की जाए जैसी बनाई जाए और उसके अधीन राज्य दंड प्रक्रिया संहिता में समान मामलों के विचारण के लिए अभिकथित प्रक्रिया का या आवश्यक का अनुसरण होगा। जो समान मामलों में प्रक्रिया होती है ट्रायल होती है वही यहाँ पर ट्रायल होगी। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा बंधन है उसके सिवा अधिनियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण कार्रवाई में सुनवाई करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया या आवश्यक दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार होगी। ठीक है, CRPC चलेगी। समिति या बोर्ड की अपने आदेशों संशोधित करने की शक्ति बिल्कुल कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 104 में है। किशोर न्याय निधि 105 में है। राज्य सरकार या से नाम से जो आवश्यक समझे बालकों के जिन संबंध में अधिनियम के दिन कार्रवाई की जाती कल्याण पुनर्वास के लिए एक निधि का सृजन करेगी कि उनके कल्याण के लिए इतना इतना पैसा रखा जाए। निधि या से स्वैच्छिक संदायों अभिदायों या अभिदायों का प्रत्यय किया जाएगा जो किसी विशिष्ट व्यष्टि या संगठन द्वारा किए जाएँ। ठीक है, इस तरीके से ये धारा पॉइंट पट गई। धारा 186 राज्य सरकार बालक संरक्षण सोसाइटी जिला बालक संरक्षण एकक। ठीक है, राज्य सरकार इसका गठन करेगी 106 में, ये भी बस इतना ही याद रखना और ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विशेष किशोर पुलिस एकक।
ठीक है, तो प्रत्येक पुलिस स्टेशन में इतना याद रख लो कि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विशेष किशोर पुलिस यूनिट का निर्माण तो प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सहायक और उपनिरीक्षक से अन्यून, मतलब SI से नीचे का व्यक्ति नहीं बनेगा, SI या उससे ऊपर का, कम से कम एक अधिकारी को जिसके पास योग्यता समुचित प्रशिक्षण और स्थिति ज्ञान हो, पुलिस शिक्षक और गैर सरकारी संगठनों के समन्वय से अनन्य रूप से बालकों के साथ या तो पीड़ितों या अपराधियों के रूप में व्यवहार करने के लिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के रूप में अभिहित किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, जो नए कानून बनते हैं तो संसद इतना मतलब घुमा घुमा के लिखा जाता है, वही वही बात की पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है व्यक्ति। बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले में विशेष किशोर पुलिस युवकों का गठन करेगी, जिनका नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक कौन करेगा, जो है जो अपना DSP है इससे ऊपर की रैंक का पुलिस अधिकारी करेगा। ठीक है, जिसमें उपधारा एक के दिन अभी सभी पुलिस अधिकारी होंगे और बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखने वाले दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें एक महिला होगी, ये भी होंगे, तो याद रखना है ना कि दो दो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिसमें एक महिला होगी। विशेष कुछ विशेष किशोर पुलिस युवकों के सभी पुलिस अधिकारियों को विशेषकर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में शामिल करने पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक प्रभावी रूप से कर सकें। विशेष किशोर पुलिस एकक के अंतर्गत बालकों से संबंधित रेल पुलिस भी है। ठीक है, रेल पुलिस भी इसके अंतर्गत जो है आएगी, जो बालकों से संबंधित है। अधिनियम के उपबंधों का पर लोक जागरूकता, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों में इनके प्रति जागरूकता या धारा 108 करती हैं। ठीक है, अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरी, यह भी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, नियम बना नहीं सकती, राज्य सरकार को है। ठीक है, तो 110 में है, इतना याद रखना, ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं, केवल सेक्शन याद रखना है। निरसन और व्यावृत्ति, ये किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 इसके द्वारा निर्सित किया जाता है, ये 2015 का है, 2012 निर्सित किया जाता है। ठीक है, कठिनाइयों दूर करने की शक्ति कितने किसको है, तो केंद्र सरकार को है। ठीक है, 2 वर्ष तक थी, अब वो निकल चुका है। इस तरीके से हमने इस एक्ट को पूरा किया। इंपॉर्टेंट चीज़ अपन पहले पढ़ चुके, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया केवल वही आपको पढ़ना है, आपका जो है काम हो जाएगा। बहुत बहुत